हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे गर्दन के दर्द यानी नेक पेन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। छोटी छोटी मांसपेशियों से मिलकर हमारा गर्दन बना होता है। गर्दन की इस मांसपेशियों को सहारा देने के लिए छोटी छोटी हड्डियां होती है। गर्दन में नसों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि हमारे दिमाग की नसें गर्दन से होती हुई हमारे शरीर में जाती है। अगर गर्दन के किसी ऑर्गेनन में कोई भी समस्या हो जाए, जैसे इन्फेक्शन होना, सूजन होना, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाना, तो गले में दर्द होता है। ये दर्द गले में और गले के मांस आसपास भी होता है। आइए अब चलते हैं इसके दर्द के कारण क्या क्या होते हैं। गले के मांसपेशियों में खिंचाव होना, यदि आप ज़्यादा देर तक पढ़ते हैं या कोई भी काम करते हैं तो गर्दन को स्थिर रखना पड़ता है, जिसमें गले की मांसपेशियों में खिंचाव होता है और इससे दर्द शुरू होने लगता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी एक प्रमुख और आम कारण है। इससे गले की हड्डी थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, जिससे गले की आसपास की नसें दबने लगती है और कभी कभी तो चक्कर भी आने लगते हैं। अगर सर्वाइकल वाले हिस्से में स्लिप डिस्क की समस्या हो जाती है तो इसमें दर्द बहुत ज़्यादा ही होती है। आइए बात करते हैं गर्दन के दर्द के लक्षण क्या क्या हैं। यदि आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है तो गर्दन वाले पूरे हिस्से में खिंचाव महसूस होंगे, इससे चक्कर भी आने का खतरा रहता है, कई बार और दर्द भी बना रहेगा। तो आपको पता चल गया होगा कि गर्दन का दर्द क्या है और क्यों होता है। तो आइए अब चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। इसकी पहली मेडिसिन है स्पॉन्डाइडिन ड्रॉप। गर्दन के दर्द के लिए यह बहुत ही असरदार दवाई है। अगर आपके गर्दन में किसी प्रकार का दर्द बना हुआ है तो ये काफ़ी असरदार होगा, जैसे दर्द की वजह से चक्कर आना। इस दवा को आप आधे कप गुनगुना पानी में 20 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। इसकी दूसरी मेडिसिन है अर्निका माउंटेना 30। अगर मांसपेशियों में दर्द बना रहता है तो यह दवाई बहुत ही असरदार है। इसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार आपको लेना है। अगर आप गर्दन को हिला भी नहीं सकते हैं तो यह दवाई काफ़ी अच्छी काम करती है। इसकी तीसरी दवा है रूटा। अर्निका के साथ आपको यह मेडिसिन भी लेनी है। यह मेडिसिन गर्दन के दर्द के लिए काफ़ी असरदार है। इसकी 2-2 बूंद 3 बार पीनी है। दोनों दवा का अंतर आप 15 मिनट का रखें। ये काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। और इसकी चौथी दवा है कोनियम मेटालिकम। यदि गर्दन के दर्द में साथ साथ चक्कर भी आ रहे हैं तो यह दवाई बहुत ही असरदार है। आप इसे 2 बूंद करके 3 टाइम ले सकते हैं। और इसकी 5वीं मेडिसिन है रोमाटोन ऑयल। अगर आपको बहुत दर्द है और दर्द में तुरंत आराम चाहते हैं तो यह इस तेल से मालिश करें, जल्दी आराम मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेडिसिन अच्छी लगी होगी और जानकारी भी अच्छी लगी होगी। तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा
और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय।